भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। आज भागलपुर में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान करेंगे कार्यकर्ताओं को संबोधित। बता दें कि आज लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का भागलपुर आगमन होने जा रहा है। भागलपुर सबौर हाई स्कूल मैदान में चिराग पासवान का भव्य कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। वहीं चिराग पासवान विजय यादव को अपनी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे। आज से संस्थाओं का होगा जमीन आवंटन। प्रयागराज में मेला प्राधिकरण ने विभिन्न संस्थाओं को जमीन और सुविधाएं आवंटित करने की योजना बनाई है। ये प्रक्रिया आज से शुरू होकर 12 दिसंबर तक चलेगी। आज होगी कांग्रेस पार्टी की बैठक। खरगोन कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक आज जिले के 3 अलग अलग स्थानों पर होगी। इसमें प्रदेश कांग्रेस द्वारा नवनियुक्त जिला प्रभारी ठाकुर जय सिंह, सह प्रभारी अमजद लाला, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष पूर्व विधायक रवि जोशी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि मौजूद रहेंगे। आज मस्जिद विवाद को लेकर होगी महापंचायत। उत्तरकाशी में देवभूमि विचार मंच की ओर से आज मस्जिद के खिलाफ होने वाली महापंचायत में हिंदूवादी नेता टी राजा के शामिल होने की सूचना है। आयोजकों ने बताया कि टी राजा महापंचायत में शामिल होकर अपने विचार रखेंगे। आज होगा अन्नकूट और दीपावली मिलन समारोह। उज्जैन लोधी समाज उज्जैन का दीपावली मिलन समारोह आज आयोजित किया जाएगा। अभय नरवरिया ने बताया इसके लिए लोधी समाज उज्जैन के पदाधिकारी घर घर पहुंचकर समाज बंधुओं को आमंत्रण दे रहे हैं। आज होगा होम्योपैथिक व प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन। बाड़मेर श्री विनायक सेवा समिति की ओर से आज निःशुल्क होम्योपैथिक व प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन होगा। समिति अध्यक्ष मनीषा टॉक ने बताया कि शहर के जोशी प्रोल सरदार पटेल मार्ग पर सुबह 11 बजे से 3 बजे तक शिविर आयोजित होगा। आज से शुरू होगा आगमन काल। आज यानी 1 दिसंबर से माह प्रारंभ होने के साथ ही मसीही भाई बहनों का आगमन काल भी शुरू हो जाएगा। बता दें कि क्रिसमस मनाने के पहले 4 रविवार को एडवेंट संडे मनाया जाता है, जो कि आज से शुरू हो रहा है। खंडवा में सेठी ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आज यानी 1 दिसंबर को किया जाएगा। बता दें कि ये शिविर ट्रांसपोर्ट एवं ट्रक व्यवसायी कमलचंद सेठी की पुण्यतिथि पर पंधाना रोड स्थित हिंदुस्तान अभिकरण परिसर में लगाया जाएगा। सलाम नमस्ते टैलेंट शो का आयोजन आज यानी 1 दिसंबर से गुंटूर में किया जाएगा। बता दें ये जानकारी शो की आयोजक डॉक्टर शमा सुल्ताना ने दी। केरल में आज होगी भारी बारिश। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान फैंगल के प्रभाव के कारण केरल में आज से अगले 5 दिनों तक व्यापक वर्षा होगी। बता दें कि अलर्ट के अनुसार 1 और 2 दिसंबर को राज्य भर में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1640 में आज ही के दिन स्पेन से 60 वर्षों की गुलामी के बाद पुर्तगाल स्वतंत्र हुआ था। साल 1963 में आज ही के दिन नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। साल 1991 में आज ही के दिन एड्स जागरूकता दिवस की शुरुआत हुई थी। साल 1992 में आज ही के दिन भारतीय वायुसेना के पायलट भावना कांत का जन्म हुआ था। साल 2017 में आज ही के दिन भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश आदर्श सेन आनंद का निधन हुआ। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।